यूके की जो कंपनी बनती है, अगर फिर भी आपको बनानी है तो ये चीजें उसके लिए रिक्वायर्ड हैं, और यूके कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी, फोन नंबर चाहिए आपको, वर्चुअल एड्रेस चाहिए, जो मैंने ये एड्रेस डाल दिया है वेबसाइट का। लेकिन इसके ऊपर अकाउंट हमने बना के नहीं देखा अभी तक, एक्टिव जो जो वेरीफाइड हो, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ वर्चुअल एड्रेस के लिए आपको मैंने दिया है, कंपनी इस एड्रेस पे बन जाएगी। इसके अमेजोन का अकाउंट बनेगा या नहीं मुझे नहीं पता, मैंने नहीं बनाया। लोग ये कहते हैं कि जी वर्चुअल एड्रेस यूके में अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता। मोन्जो का कार्ड आपको चाहिए होगा फॉर चार्ज मेथड, ट्रांसफर वाइज फॉर बैंक डिपॉजिट मेथड। ये मोन्जो का कार्ड वैसे, अच्छा ये भी आप कर सकते हैं कि आप, अगर आपने जैसे हमने फिलिपिनो की बात की, तो फिलिपिनो के ऊपर आपने जो कार्ड नहीं है अगर चार्ज मेथड का, और अगर आपका मोन्जो का कार्ड बन गया है या है मौजूद, या आपका ट्रांसफर वाइज का कार्ड है बिजनेस का, क्योंकि आपने यूके में अगर कंपनी बना ली है, तो इससे फायदा आपको ये होता है कि आप जो है वो ही कार्ड उस फिलिपिनो के अकाउंट पे जब आप उसे कन्वर्ट करेंगे कंपनी पे, वहां यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर कोई मसला नहीं होता। एड्रेस इंफॉर्मेशन सारी फिर आपकी यूके की जाएगी। इसमें स्लाइट रिस्क है, वो क्या है कि अमेजोन ये देखता है कि जी इंफॉर्मेशन फिलिपीन की है, कंपनी यूएस की है, कार्ड चल रहा है यूके का, तीन चीजें हो गई हैं। लेकिन यूके का कार्ड डालने से फायदा यह है कि जी कोई ट्रिगर नहीं है, कोई ऐसा ट्रिगर नहीं है कि जी पाकिस्तान का कार्ड क्यों है, रशिया का कार्ड क्यों है, अफ्रीका का, या ऐसा कोई कार्ड नहीं है, यूके का है, एक एक डेवलप कंट्री का है, तो इसलिए ये इतना ज्यादा सीरियस मसला भी नहीं है। ट्रांसफर वाइज का कार्ड मिल जाए तो वो भी ट्राई कर लें।